असलकम जी मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ जी प्रोग्राम के शुरू से पहले ये डेकलेशन देने में अल्ला तना जब भाई जेड़ा भी, भी साहब जो है मरियम नवाज़ शरीफ का स्क्रिप्ट लिखता है भाई जन मेरी ट्वीटों को बख्श दिया करें यार और वो कल फिर मुझे जनाब बैरून अंदरून मलक से कम अज़ कम कोई एक दर्जन के करीब पैगाम आए कि ये देखें ये आपकी वो फलाने दिन वाली ये ट्वीट साथ में अक्स लगाए हुए लोगों ने लोगों ने भी मेरा मजाक बना ले वह भाया नहीं मेरा उन्होंने मलाजम है यार मान लो आप देखें ना वो मेरी आठ दिन पहले की ट्वीट अगर आज उनकी तकरीर का हिस्सा थी ठीक है आपको मतलूबा सूरत फ्राहम नहीं की गई तो फ्राह्म नहीं रही तो इसका मतलब ये कहाँ हो गया यार कि मैं उन्हें देखा मैं बकायदा ट्वीट किया था में बोलिया यार हाँ आठ दिन पहले तो वो उन्होंने शामिल की उन्होंने बोली दोहराई तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि यार मैं लिख रहा हूँ भाई मैं लिखूंगा तो इससे कोई आला चीज लिखूंगा ठीक है जिस जिस दिन आपको चलिए ऐसे कर लेते हैं जिस दिन आपको इस तकरीर का जो मौजूदा उनका मैार है इससे कोई दो तीन गुना ज़्यादा मैार नजर आए ठीक है, है ना और इससे ज़्यादा चाशनी नक, नज़र आए उस दिन समझ लीजिएगा कि मैंने तकरीर लिखी है मैंने अभी नहीं लिखी और मैंने इस तरह का काम नहीं किया वैसे कभी ठीक है ना हाँ एनी हाउ ये जनाब ये क्लैरिफिकेशन थी क्योंकि फिर दोस्त जो है अहबाब जो हैं हमारे लिसनर जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं हमारा और छेड़ते हैं हमें खैर जनाब इमरान खान साहब ने जी कल खिताब किया और ख़िताब के अंदर मैं उनके सयालकोट वाले खिताब के ऊपर तबसरा नहीं कर पाया लेकिन अब कर देता हूँ सयालकोट वाले खिताब में उन्होंने इनकशाफ किया था कि उनको मारने की साजिश हो रही है और फिर उन्होंने बताया ये जो कल का उनका खिताब था कहाँ पर था फैसला धोबी घाट के अंदर और धोबी घाट के जलसे की जो पथेटिक तस्वीर नज़र आई है तो खाकसारो बात नोट रखिएगा कि इसके जलसे जो होंगे ग्यारह से ले कर बीस तक ये पूरा जोर लगाएगा और इस दौरान इसके जलसे सुकड़ते जाएंगे ठीक है ये मैंने ट्वीट भी कर रखा है विलाग में भी कह रखा है तो मैं दोबारा उसको दोहरा दूं तो कल धोबी घाट फैसलाबाद के अंदर जब एरियल व्यू देखा गया है तो वो तो यार बहुत ही पथा टकता बहुत ही पथा टकता फैक्ट्रियों के बंदे ला के भी जो थे वो लगता उन्होंने भी फैक्ट्रियाँ उस्मान डार की तरह बिकने लग गई ने ठीक है ना उस्मान डार साहब का भी अच्छा काम होता था जब वो पी में नहीं आए थे और पी आए में आए तो बेड़े ही गड़क हो गए उन्हें इसीलिए वो जो था ना टाइगर फोर्स बनानी पड़ी था आगे कुछ चार पैसे मैं भी ले सकूँ कौमिक खजाने से तो खैर वहाँ पे भी जो लगता है इनका जो सपोर्टर था मतलब अच्छे यार दो ढाई तीन हज़ार बंदे उसकी फैक्ट्री में काम करते थे अगर सिर्फ वही आ जाते और वही आए होंगे मतलब इससे तो ज़्यादा लोग थे नज़र आ रहे हैं नीचे लेकिन मुझे धोबी घाट भरा करता है यार बेनज़ीर भुट्टो के जल से हमने लाहौर से जाके कवर किए हुए हैं धोबी घाट के नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त पुराने ज़माने के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो मीडिया साथ में ट्रेवल करवाया जाता था अखबार के रिपोर्टर साथ चल रहे होते थे या एडवांस पार्टी में जा रहे होते थे तो वो उसके अंदर सारी सार नजर आया करते थे तो रात सिर्फ उस हद हाँ तक लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जिस हद तक कैमरा बजना था या कैमरा उस हद तक मारा जा रहा था जहाँ तक लोग बैठे हुए पिछले सारा ही बेड़ी अलग फोन लोग क्रिकेट के ही ने नहीं होते पिछले पास कि रोशनी चंगी हुई हुई है दो ओवर करवा ली तो खैर वो जनाब उसके अंदर मसूफ ने इंकशाफ किया कि एक जहर ऐसा होता है कि जो किसी आदमी को दिया जाए तो उसे हार्ट अटैक हो जाता वैसे आपस की बात है कि मेरा तो ख्याल है कि तमाम जहर ही ऐसे होते हैं कि जो दिल को जा के करते हैं लेकिन इमरान ख़ान साहब ने हमारे इलम में इजाफ़ा कर दिया तो एकदम मैंने फिर ट्वीट ही किया इसके ऊपर एकदम प्रॉप अप हुआ कि नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ था नवाज शरीफ के मतलब प्लेटलेट्स कम होना शुरू हुए थे ब्लड के तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होना था इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट एक फैटल किस्म का हार्ट अटैक होना था उनके दिल ने काम करना बंद कर देना था तो उस वक्त मैं दोबारा कर रहा हूँ उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की जो टीम थी जो उनकी हेल्थ के मामलों को मोनीटर कर रही थी डॉक्टर्स के अंदर मुश्तमल बाई द वे ये जो शौकत खानम वाला जो है ना डॉक्टर सुल्तान क्या नाम है उसका आ, ये जो आ, ये जो हेल्थ एडवाइज़र भी रह के आया है ये मासूफ भी उस टीम का हिस्सा थे और उस टीम के अंदर कम अज़ कम दो ऐसे मम्बरान थे जिनसे हम हमारी पिछले कई दिहाइयों की जती मरासम थे हम उन दोनों को बताए बगैर कि तुम दो ही साढ़े ही आ रहे हो उनसे अलग अलग रिपोर्ट लेते थे और एक जो था जरिया वो इनडायरेक्ट रिपोर्ट ले रहा था मतलब वो डॉक्टर साहब थे उनके एक और दोस्त थे उनसे भी तो इसका मतलब है कि रिप, रिपोर्ट अथेंटिक है पायन उसके अंदर जो था उन्होंने उस वक्त इस खदशे का इज़हार किया और ये बात मरीम नवाज शरीफ के इलम में लाई गई और वो जो बात थी कि जनाब इनको कुछ ऐसी ऐसा जहर दिया गया है जिसके नतीजे में इनको हार्ट अटैक होना था और ये स्लो पॉइजनिंग थी ठीक है फिर हमें वो अपने एक कुलीग भी याद आ गए इस्लामाबाद के ठीक है ए, चौधरी थे मेरा ख्याल अरशद वही चौधरी आ, वो भी हार्ट से गए थे फिर वो जस्टिस वकार सेठ भी याद आ गए फिर अरशद मलक भी याद आ गए इनको ये भी दिल हार्ट अटैक से ही गए थे तो खैर फिर बातें बहुत खुलती जाती हैं ना दिमाग का फिर जो है वो चलना शुरू हो जाता है पहिया अब आपका हराइज़न फैलना शुरू हो जाता है सोच का यार अच्छा 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 ये क्या हुआ था ये क्या हुआ था अच्छा अब इस तरफ आ जाइए कि मसूफ बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा जहर दिया जाएगा कि जिससे दिल की शरीन बंद हो जाएगी लेकिन की कह बैठा मैं की बैठा बैठा लम्बा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं एन उसी वक्त उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं तो अगर महात्मा ये कह रहा है इसका मतलब है या ये कर चुका है या ये करने वाला है। इसकी जान को खतरा नहीं है किसी और की जान को खतरा है क्योंकि ये जुर्म करने से पहले उसका इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं खुद ये जुर्म वो करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से लेके और अखलाकी जराय तक चौथे फ्लोर तक मनी लॉन्ड्रिंग से लेके चौथे फ्लोर की सरगर्मियों तक जो जुर्म ये करते हैं उसका इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं। तो भैया वो दूसरे पे लगाया लगाया ना तो उन्होंने एडवांस में लगाना शुरू कर दी तो या तो मासूफ ये जहर वाली वारदात डाल चुके हुए और या ये डालने वाले ठीक है इसलिए उन्होंने अपनी मजलूमियत का रोना रोना शुरू कर दिया है इसको हम विलेज कनिंग कहते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर विलेज कनिंग ज़रा नेगेटिव लफ्ज हो जाता है और ये नेगेटिव मनों में ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये विलेज कनिंग है और जिसके जिसका मुजाहरा आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा चौधरी परवेज़ अलाई की शक्ल के अंदर कि वो भीगी बिल्ली बन के वो सारा कुछ दो नंबरी कार के बदमाशी कार के अहमद ख़ान पट्टी के ज़रिए बदमाश ला के गुजरात से उनसे ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ بڑا ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਸੇ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਗਈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਤਨਾ بڑا ਸਾਇੰਸੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਹੱਡੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰਲਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਦੀ ਪਰਵੇਜ਼ਲਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਇ ਨੂੰ ਪਾਇਓਡਿਨ ਦੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਪਾਇਓਡਿਨ ਹਮੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸਰ ਹਮ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ੋ ਕੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਓਡਿਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਮوصੂਫ ਇਨੋਨੇ ਕਹਾ ਮੂਝੇ ਇਹ ਜਬ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਹਾ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕ आई स्टन ठीक है और यह बात जो थी ये मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया उसके अंदर यह बात उन्होंने कही ठीक है लेकिन मरियम ने उस ट्वीट का फॉलो अप नहीं किया यकी उनसे उनसे उनको कोई अप्रोच कर लिया गया होगा किसी ने अप्रोच कर लिया होगा मैं ये यह, यहां से मैं अज्यूम कर रहा हूँ ठीक है यह मेरी अजम्शन है यकीन उनको अप्रोच करके कहा गया होगा कि आप इसके ऊपर ज्यादा शोर ना मचाएं हम आपके अब्बा को बाहर भेज देते हैं और जब ये वाली बात जो है वो इसको बताई गई होगी महात्मा को कि जनाब ये जनाब ने जो हरकत की थी ये हमने पकड़ ली है तो अब आपने बोलना नहीं है तो ये कैसे उस वक्त भी जी बिल्ली बन गया था और जनाब उनको बाहर जाने दें उनकी तबीयत बहुत ख़राब है ये वो आप उसके इसके उन दिनों के बयान तो वो जो दो सवा दो साल पहले ये वाक़ा हुआ था मियाँ ना बाहर गए थे मेरे खिलाफ सवा के दो साल तो हो गए गए हुए हाँ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਕੇ ਬਿਆਨਤ ਪੜੇ ਇਕਦਮ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਤਾ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਹੈਨਾ ਕبھی ਇਹ ਸ਼ਿਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਡਾਲਦਾ ਥਾ ਕبھی ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਾਲਦਾ ਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਥੇ ਅਗਲੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ ਖਜਾਇਆ ਤਾਂ ਮਮਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਟੋ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਪਾਰ ਉਹ ਪੁੱਟੋ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो अगर ये तो सिंध तो छोटा सूबा है शहरी इलाका वैसे ही हमने कराची हैदराबाद उनसे सीख लिया लॉरी पाई और लाहौर वालों को तो शहीद चाहिए एक और मियाँ नवाज शरीफ बब्बर शेर शहीद हो गए वो इस हमारी तो अगली नस्लें उड़ जानी थी भाई हमने तो घरों से बाहर निकलने जो घर नहीं रहना था ये तो करने क्या लगा था तो महात्मा साहब ने फौरी तौर पे पैंतरा बदला उनके अंदर महात्मा ममता जाग गई कल जो कोटला और बाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ ने जलसा किया है वो जो उस वक्त एक ट्वीट आया था हो सकता है उन्हें उस वक्त समझा दिया गया हो मसूफा ने ये ढाई साल इस मामले को प्रसू नहीं किया मैं रिकॉर्ड पे हूँ मैं वक्तन फ़वकता तीन चार माह के बाद तस्करा कर दिया करता हूँ इसका ठीक है कि जनाब ये जहर वाली बात है ताकि मामला मरे ना ठीक है मेरे जो मुस्तकिल सामीन हैं जो मुझे सुनते हैं उनको याद है ये बात मैं ये किया करता हूँ। कल फिर मरियम ने कोटला और बाब के अंदर तकरीर करते हुए इस मामले को दोबारा उछाल दिया और खोला ठीक है ना जिस तरह वो जो होती हैं ना सुगड़ बेटियां जो होती हैं वो माँ जो उनको को देती है ना तोहफ़ा शादी के अंदर वो बड़ा सेंत सेंत के रखती हैं आह लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर गया हूँ बड़ा सेंत सेंत के रखती हैं चार तहों के अंदर लपेट लपूट के रखती हैं और फिर कभी कभी ना हिज़ उठाने के लिए मज़ा उठाने के लिए इन्जॉय करने के लिए अपनी माँ को याद करने के लिए क्योंकि वो, वो तो ससुराल में होती है ना तो वो उसे खोलती हैं सारी परतें खोलती हैं और खोल के फिर देख के उसे खुश होती हैं मुझे लगा है कि इस हकीकत को भी और इस वारदात को भी मरियम ने अब खोला है और खोल के ऐसे रखा है ठीक है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं है ये बात ये हकायक खोलते हुए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है भाई आपको जितनी मर्जी वो जहर लगती हो ठीक है ना हाँ आपको जितनी मर्जी वो जहर लगती हो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी भाई उसके चेहरे के ऊपर जो कुछ था वो पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो यकम तक जी होना है काम मैं पहले भी कह चुका हूं अपने विलाग के अंदर पिछले विलाग के अंदर ग्यारह से वी तक जलसे हैं उन्नीस का जलसा उसने कैंसिल कर दिया है और इक्की के बाद ट्रांसफ़रें शुरू हो जाएंगी जो इकत्ती तक पूरी हो जाएंगी और जून में पाँच या छः जून से ले कर पंद्रह या सोलह जून तक जो है वो मसूफ पे हाथ डाला जाएगा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करवाया जा सकता और ना ही सारी सारी सियासी कुवतों ने ये सारा किस्त इसलिए उठाया था कि इमरान ख़ान को दो तिहाई अक्सरियत से वापस लेके आना है ठीक है बहरहल किसी तरफ से खबरों का फ्लो है और मुख्तु जर्नलिस्टों के मुख्तु ग्रेड स्टेशनों से कनेक्शन हुए हुए हैं और उधर से वही आवाज़ निकलनी है तो वो आप आवाज़ सुनते रहिए सुनिए और सर धुनिए लेकिन हकैक अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जा रहे हैं बस हो सकता है हम गलत हों हम गलत होंगे माफ़ी मांग के आगे चल पड़ेंगे तहजिया गलत भी तो हो जाता है लेकिन अब तक तो अपना दिल जो है ये तमाम बड़े जर्नलिस्टों की ये सारी जो ख़बरें हैं इनको मानने से इनकार ही है भाई अब तक के लिए इतना ही अगले विलाग में आपसे फिर मुलाकात होती है अल्लाह तबारक व ताली आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल के खुदा में तकसीम करने की तोफ़ी अता करेगी